हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ना कोई ये ट्रैवल ब्लॉग है ना ही ये फूड ब्लॉग है। आज का जो वीडियो रहेगा वो एक अनबॉक्सिंग वीडियो रहेगा। इस चीज के लिए मैंने काफी वेट किया है और अभी जो सेल आया था अमेजोन का उस पे से मैंने अपने लिए एक ब्लॉगिंग कैमरा मंगवाया है, तो चलिए उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अब तक जो भी शूट कर रहा था वो फोन से शूट कर रहा था और मेरे पास जो भी एक ट्राइपॉड था एक फोन था, तो मैंने सारे वीडियोज अपने फोन पे बनाए हैं जो भी बनाया है। और अब मुझे थोड़ा मैंने सोचा कि और थोड़ा अच्छा क्वालिटी हो जाए वीडियो का, तो इसके लिए मैंने ये कैमरा परचेज किया है। तो चलिए उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों ये बॉक्स आया है अमेजोन से और इसके अंदर हमारा कैमरा है, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो मैंने ऑर्डर किया है सोनी का ZV-1 व्लॉगिंग कैमरा, आप देख सकते हो ये, और इसके साथ कैमरा के साथ मुझे एक शूटिंग ग्रिप मिलती है, दो बैटरी मिलती है और एक 64GB का मेमोरी कार्ड मिलेगा मुझे। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले ये बैटरी देखते हैं, ये है बैटरी NP-BX1। बैटरी के लिए एक कवर दिया गया है, एक बैटरी है, शायद एक बैटरी अंदर होगी और ये इंस्ट्रक्शंस है, तो ये चीजें हैं इसके साथ, इसे रखते हैं साइड में। नेक्स्ट जो है इस बॉक्स में वो है ये सोनी की शूटिंग ग्रिप, काफी हैंडी हो जाएगा अगर ये लगा लेंगे हम, तो ये भी ओपन करते हैं। पैकिंग तो बहुत अच्छी की गई है, ये शूटिंग ग्रिप है पाउच में, कुछ पेपर्स है इसके साथ भी और ये शायद बैटरी शूटिंग ग्रिप में यूज होगी, और एक पाउच दिया गया, बहुत अच्छा पाउच दिया गया है सोनी की ब्रांडिंग के साथ, तो इसे भी ओपन करते हैं। देख सकते हो बहुत अच्छी ग्रिप है, काफी हैंडी रहेगा ये। इसके ऊपर मोड्स भी दिया गया है, जूम इन जूम आउट, फोटो का एक दिया है, मूवी का दिया है, कस्टम का कुछ दिया और लॉक का दिया है, वो तो मुझे आगे भी देखना पड़ेगा, थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स भी देखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली मैं फोन से भी सीधा कैमरा यूज करने वाला हूँ। बैटरी अभी देखते हैं डाल के, ये शूटिंग ग्रिप अभी ट्राइपॉड भी बन जाएगा, बहुत सही चीज है ये। चलिए इसके अंदर बैटरी डालते हैं। देख सकते हो, चलिए अभी इसे रखते हैं साइड में और अभी मेन चीज पे आ जाते हैं। वाह, बॉक्स भी बहुत छोटा है, सोनी का ZV-1 कैमरा है, इसके अंदर 2 ईयर्स की वारंटी है, 64GB मेमोरी कार्ड दिया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड दिया हुआ है 64GB का, कुछ वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल दिया गया है, विंड स्क्रीन दिया हुआ है, एक माइक्रो यूएसबी केबल दिया गया है चार्जिंग और वगैरह दूसरे यूज के लिए। ओके,
दूसरी बैटरी यहाँ पर दी गई है और ये है हमारा मेन कैमरा। वाओ बहुत सही है, बहुत छोटा है, यूज करने के लिए काफी हैंडी रहेगा ये चीज। फ्लिप स्क्रीन दी गई है, रोटेट भी होती है, बहुत सही चीज है। एक यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर अगर देखोगे तो एक माइक दिया गया है, ये जगह यहाँ पर एक विंड स्क्रीन लग जाएगी या तो कुछ एक्सटर्नल अगर माइक को वगैरह लगाना हो वो लग जाएगा यहाँ पर। ऑन ऑफ का बटन है, मोड है, जूम इन जूम आउट, और यहाँ पर भी कुछ फंक्शंस है, मेन्यू वगैरह सारे। यहाँ पर ग्रिप दी गई है, ये साइड पूरा एम्प्टी है। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ पोर्ट्स वगैरह एक एक्सटर्नल पोर्ट्स के लिए है, ये यूएसबी पोर्ट यहाँ पर लगेगा, HDMI पोर्ट के लिए ऑप्शंस दिया हुआ है, सही है। यहाँ पर ये ग्रिप लगाने के लिए दिया गया है। चलिए अभी इसे ओपन करते हैं, इसमें बैटरी डालते हैं और इसे फिर स्टार्ट करते हैं। लॉक हो चुका है और अभी हम इसे ऑन करते हैं। वाओ ये देख सकते हो आप, काफी बढ़िया है। इसके तो अभी मुझे ट्यूटोरियल्स वगैरह देखना पड़ेगा यूज करने के लिए। ये कुछ इस तरीके से ऐसे दिखता है, ये कैमरा काफी छोटा है, काफी हैंडी है, सही है, और ट्राइपॉड भी बन जाता है ये। मुझे ना काफी डिफिकल्टी होती थी फोन में क्योंकि वहां पर एक स्क्रीन नहीं रहती, तो अभी मुझे बहुत आसानी होगी क्योंकि मैं यहाँ पर भी ऐसे देख सकता हूँ, देख के बात कर सकता हूँ, और फोन में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, तो इस तरीके से ये काफी हैंडी रहेगा। इसकी मुझे और एक चीज अभी अभी मैंने देखा है, इसकी और एक चीज मुझे अच्छी लगी है कि हम अगर मूवी का मोड ऑन करते हैं तो यहाँ पर एक रेड लाइट आती है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि मैं फोन से स्विच कर रहा हूँ कैमरा की तरफ, तो बहुत इम्पोर्टेंट था ये, अच्छा है ये चीज, मुझे बहुत पसंद आई है। आगे चल के अभी मैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जैसा जैसा मुझे हैंडी लगेगा। आपने तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग देख ली है, अब मैं थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स और देख लेता हूँ इसके, अभी आगे चल के इसी से ही शूट करना है, तो जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस करूंगा तो मैं आपको बताता रहूंगा कैसा है ये कैम। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अनबॉक्सिंग का तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर।